दोस्त, जिंदगी कहां से शुरू होकर कहां आकर ठहर गई। मुझे हर दिन हर पल तेरी याद सताती है। पूरे 5 साल राधा भाभी का इंतजार करने के बाद आज मजबूर होकर मुझे तेरा ये बंगला और सारी चीजें नीलाम करने की परमिशन देनी पड़ी। सर, हमने जिस आदमी को मिसेस पाल का पता लगाने भेजा था वो आ गया है और वो पता भी लेकर आया है। वेरी गुड, हाँ तो भाइयों, इस मूर्ति की कीमत है, बंद करो ये नीलामी। इस बंगले के असली वारिस का पता चल चुका है। कौन है वो असल वारिस? डॉक्टर सूरजपाल सिंह की पत्नी राधा। नमस्ते राधा भाभी। अजय, तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? भाभी जी, रिश्तों की जंजीर बहुत मजबूत होती है, इंसान उसे चाहकर भी तोड़ नहीं पाता। लाख कोशिशों के बावजूद भी वक्त उन्हीं रिश्तों को फिर एक जगह लाकर खड़ा कर देता है। वक्त ने मुझे बहुत बड़ा जख्म दिया है अजय। मैं उन सारे रिश्ते नातों को भूल जाना चाहती हूँ जो मुझे नश्ते बनकर बार बार मेरे दिल को छलनी करते रहते हैं। ये कैसे मुमकिन है भाभी जी? डॉक्टर पाल के बाद आप तो गायब ही हो गई। मैंने आपको ढूंढने की काफी कोशिश की मगर आपका कहीं पता ही नहीं चला। डॉक्टर पाल के कुछ रिश्तेदार उनका वो बंगला नीलाम करना चाहते हैं। तो करने दो नीलामी, मुझे उस शैतानी बंगले से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं भाभी जी, वो बंगला सूरज की आखिरी निशानी है। वहां की हर एक चीजों में उसकी यादें बसी हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप उसी बंगले में आकर रहें। मैंने कहा ना, नहीं चाहिए मुझे वो बंगला। चले जाओ तुम यहाँ से, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ऐसी क्या बात है उस बंगले में? तुम शायद नहीं जानते अजय, उस बंगले की हर रात में एक नई कहानी दफन है। पासी में डॉक्टर पाल का घर है, मैं उसे लेके चलता हूँ, आप लोग वहां पहुंचिए। प्रेगनेंसा, डॉक्टर साहब है? हाँ हाँ, जल्दी बुलाओ। ओके ना, एक सीरियस केस है। ओके ओके। क्या बात है अजय? क्या हुआ इस बच्ची को? सूरज, किसी पागल आदमी ने इस बच्ची पर हमला कर दिया है। Thank you.
खान साहब, मेरा बैग लेके आओ जल्दी। ये दवा ले आना और इस बच्ची को मेरे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देना, सुबह तक खुश आ जाएगा। डैड लीजिए चाय। थैंक यू वेरी मच बेटी। अब मैं रात भर एक्सपेरिमेंट कर पाऊंगा। न जाने बेटी तुम्हारी चाय में क्या जादू है, ये मजा ना ही हॉस्पिटल के चाय में है ना ही होटल के चाय में। डैडी अगर मेरी शादी हो जाएगी तो आप एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, किसके हाथों की बनी चाय पियेंगे आप? रोज रात को तेरे घर चाय पीने आ जाया करूंगा डैडी। हेलो डॉक्टर शेखर। हेलो अजय। हाय राधा, हाउ आर यू? सुनाओ भाई, सवेरे सवेरे कहाँ निकल पड़े? डॉक्टर पाल के हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ये बस किस लिए? कल रात किसी चोर उचक्के ने पब्लिक से बचने के लिए एक बच्ची को हथियार बना लिया और वो जख्मी हो गई, उसे ही देखने जा रहा हूँ। तुम उसे पाल के पास क्यों लेके गए? तुम भी तो डॉक्टर हो। डॉक्टर साहब मैं तो एक मामूली MBBS डॉक्टर हूँ, उनके सामने मेरी क्या हस्ती। तुम जैसे लोगों ने बोल बोल कर उस पागल को सर पे चढ़ा रखा है। समय तो वो एक पागल डॉक्टर है, इंसानों का इलाज करना उसके बस की बात नहीं है। न जाने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करते रहता है। नॉनसेंस। डॉक्टर शेखर आप क्यों उससे चिढ़ते हैं, वो तो आपकी बड़ी इज्जत करता है। जो खुद के पेशे की इज्जत नहीं करना जानता वो दूसरे की क्या इज्जत करेगा। मेडिकल साइंस के थियोरी को बदनाम करना है। ठीक है, उसके जो प्रिस्क्राइब दवाएं हैं उसे टाइम से देते रहिए और रात को एक 5 ml का कॉम्पोस्ट का इंजेक्शन लगा दीजिए। हाँ, ये डॉक्टर अजय एक बच्ची को लेकर आए होंगे कल रात को। इन दिस प्लेस। हेलो एंड हाउ इज माय मिस इंडिया टुडे? डॉक्टर साहब आप इंसान नहीं देवता हैं, आपने मेरी बच्ची की नई जिंदगी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था। वैसे आपकी बच्ची खुद इतनी बहादुर है कि उसे किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है ना। That's good. Let's see. नाना बेटा मेरा सांस ले। हाँ, you're doing fine. इसे अगले हफ्ते फिर मेरे पास लेके आइएगा। पूरी तरह से ठीक होने के लिए इसे 3 injections और लगाना पड़ेंगे। अच्छा सर। नर्स ये वुंड्स की अच्छी तरह से सफाई करके इसकी ड्रेसिंग कर दीजिएगा। ओके जवाब जी। हाय। और वो स्पेशल वार्ड वाला जो पेशेंट। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मेरा नाम संजय है, मैं आजाद न्यूज़पेपर का रिपोर्टर हूँ। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बड़ी तारीफ सुन रखी है आपकी। सुना आप मेडिकल साइंस को एक नया मोड़ देने वाले हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये नया मोड़ देने के लिए आपने कौन सा कदम उठाया है? जब कामयाब हो जाऊंगा तो खुद ब खुद दुनिया को पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा कदम उठाया। चलिए एक सवाल और डॉक्टर साहब, कल रात जिस आदमी से वो बच्ची जख्मी हो गई थी, सुना वो आदमी दिखने में बड़ा भयानक था, क्या किया था उसने बच्ची के साथ? कुछ नहीं, सिर्फ उसके नाखून लग गए थे। कमाल है, सिर्फ नाखून लगने से बच्ची बेहोश हो गई? हाँ, बहुत जहरीले नाखून थे। कुछ देर और अगर बच्ची को ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो बच्ची मर भी सकती थी। आखिर ऐसी कौन सी दवा दे दी आपने उसको जो बच्ची इतनी जल्दी ठीक हो गई?
तुम रिपोर्टर हो या डॉक्टर, मैं अपने पेशेंट्स को कोई भी दवा दूं तो मैं इससे मतलब? सॉरी डॉक्टर, नो मोर क्वेश्चंस, मुझे राउंड्स पे जाना है और मुझे देर हो गई है। कमाल हो गई, जरा सा दवा के बारे में क्या पूछा कि नाराजी हो गए? लगता है वक्त से पहले सटिया गए हैं। अरे राधा, तुम कब आई? आधा घंटा हो गया। सॉरी, तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ा। औरतें तो पैदा ही हुई हैं मर्दों का इंतजार करने के लिए। लेकिन एक बात सुन लो, शादी के बाद मैं इतना इंतजार नहीं करूंगी। पहले शादी तो हो जाने दो। क्यों क्यों क्यों, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम पे तो भरोसा है, लेकिन तुम्हारे डैड? अरे छोड़ो, तुम उनकी चिंता मत करो, मैं डैडी से नहीं डरती। तुम्हारे डैड पहले ही मुझसे नफरत करते हैं, और अगर उन्हें यह पता चल गया कि उनकी बेटी मुझसे प्यार करती है तो पता नहीं क्या होगा। प्यार करने वाले डरते नहीं है। अच्छा बाबा, मत डरो, लेकिन इस वक्त यहाँ से जाओ, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इस वक्त मैं यहाँ से एक ही शर्त पर जाऊंगी। बोलिए। वो ये कि तुम शाम को ब्लू मून होटल में मिलने का वादा करो। तो ठीक है बाबा, मिलूंगा मिलूंगा बस। लेकिन मैं जल्दी जाने नहीं दूंगी, हम रात का डिनर साथ करेंगे और फिर तुम मुझे घर छोड़ देना। ओके ओके, तुम जो कहोगी मुझे मंजूर है। अब आप जाएंगी? जा रही हूँ। तो निकलने दो। अच्छा मैं कल फोन करती हूँ। ओके बाय, गुड नाइट। डैडी, आज आप सोई नहीं? इतने दिनों से सोई तो रहा था मैं, आज जागा तो पता चला बेटी बाप की इज्जत को दुश्मन के पैरों की जूती बनाना चाहती है। डैडी, डैडी वो डॉक्टर सूरजपाल सिंह को कितने दिनों से जानती हो तुम? डैडी, काफी दिनों से। और मुझे पता तक नहीं? एक बात गौर से सुन लो, आज मैंने तुम्हें सूरजपाल सिंह के साथ पहली बार और आखिरी बार देखा है, बस इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जाओ सो जाओ तुम्हारे कमरे में, जाओ। स्टूडेंट्स, इंसान और जानवर में ज्यादा फर्क नहीं है। मैन इज अ रैशनल एनिमल। इंसान के पास सोचने समझने की शक्ति है जो जानवरों के पास नहीं है। लेकिन अब तक इंसान अपने इस दिमाग को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाया है, इसलिए इंसान मुकम्मल नहीं है, उसमें
अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। हाँ राजेश बोलो। सर, साइंस ने इतनी तरक्की की है, क्या उन कमियों को मेडिकल साइंस दूर नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकता? जरूर कर सकता है। मेडिकल साइंस को इंसान ने सही तरह से स्टडी ही नहीं किया। ये आप कैसे कह सकते हैं सर? सिंपल, वेरी सिंपल। इंसान अंधेरे में नहीं देख सकता, तुम अंधेरे में देख सकते हो? नहीं। जबकि चमगादड़ अंधेरे में ही देखती है, उल्लू रात भर जागता है, इंसान लगातार रात भर नहीं जाग सकता, और जो इंसान रात भर लगातार जागता है उसे उल्लू ही कहते हैं। सांप के डसने से इंसान मर जाता है। अब ये सब इंसान की कमियां नहीं तो और क्या है? सर, क्या मेडिकल साइंस इंसान की हस्ती को बदल सकती है? क्यों, शराब पीकर इंसान अपनी हस्ती नहीं बदल लेता? शराब पिए हुए आदमी को देखा है कभी? आपने देखा है किस तरह से एक दुबला पतला इंसान छह पैक के बाद सारी बस्ती का दादा बन जाता है? शराब पीने से पहले और शराब पीने के बाद इंसान के सोचने समझने में कितना फर्क हो जाता है। जब एक मामूली सी शराब इंसान की पर्सनालिटी में इतनी तब्दीली ला सकती है, तो क्या मेडिकल साइंस इंसान की हस्ती नहीं बदल सकती? बदल सकती है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि इंसान चमगादड़ की तरह रात को देख सकता है, इंसान सांप की तरह जहरीला हो सकता है, इंसान जो चाहे वो कर सकता है अगर वो कोशिश करे तो। डॉक्टर पाव, तुम अपने आप को समझते क्यों? तुम्हारी उपाधि क्या है? सारा शहर जानता है कि मैं एक कामयाब साइंटिस्ट हूं। तुम तो रिसर्च करने वाले मुझसे बराबरी करना चाहते हो? बात क्या है डॉक्टर? अपनी खैरियत चाहती हो तो मेरी बेटी से मिलना बंद कर दो। ये बात तो घर पर भी हो सकती थी। तुम्हें जलील करने के लिए इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है? मेरी बात तो सुनिए डॉक्टर शंकर। कुछ नहीं सुनना मुझे। मैंने जो कहा है उसे अपने दिमाग में बिठा लो, समझे? सॉरी स्टूडेंट्स। सर, काफी थके हुए लगते हैं, आपके लिए पैक बना दूं? नहीं प्रकांशा। तो खाना लगवा दूं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जरा लैब में हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओके सर।
Yeah.